उत्तर प्रदेश में जो हमारे सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं, उनके प्रति कितना अनुराग रखते हैं, कैसी श्रद्धा रखते हैं, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रकट किया है। आपने देखा किस प्रकार से 2019 में भव्य दिव्य महाकुंभ के आयोजन में दुनिया से 25 करोड़ से अधिक लोग आए डुबकी लगाने के लिए। भव्य मंदिर कब बनेगा? हमारा सौभाग्य है कि मोदी और योगी जी की जोड़ी हमारे सामने, सौभाग्य भी है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। हमारे यहाँ के पूर्व के बरसों बरस से तीस लेकर के आज काशी विश्वनाथ का धाम किस भव्यता को प्राप्त कर रहा है, हम और आप देख करके आह्लादित हो रहे हैं। और मैं आपको विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास को, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक आस्था के सम्मान को इतना विराट आयाम दिया है कि आगे आने वाला हजारों साल का भविष्य हमारी ओर देख रहा है। हम क्या निर्णय करने वाले हैं? हम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में निर्णय देंगे तो आगे आने वाला हजारों साल का भविष्य हमारा अभिनंदन करेगा। अगर हमसे कोई चूक हो गई, इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी हमको बार बार नहीं मिलेंगे। जिन्हें न परिवारवाद, न जातिवाद, न संपत्ति बनाने का कोई लालच है, और मैं आपके साथ जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार विधायक बन करके गया था। मैंने सोचा नहीं था मुझे मंत्री बना दिया जाए, होने का गौरव प्राप्त नहीं किया होता। उस बलिया में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एक समय में जब इंदिरा गांधी की अटलताई सरकार बहुकार फेंकने के लिए किसी ने काम किया तो बलिया के हिलाल जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। उस धरती पर भी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये बलिया वो धरती है जहाँ पर इसके बगल में जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, दाहिने साइड में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जन्म लिए थे, और जहाँ पर मंच लगा है इसके पीछे जवाहर में पंडित परशुराम चतुर्वेदी जी का जन्म स्थान था। मैं इस धरती पर आपको स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये वो धरती है महाराज जी, ये कार्यक्रम जहाँ हो रहा है तो बलिया विधानसभा में है। उसकी रूप से सटा हुआ ही अपने अनंत शरद बुंदला जी का विधानसभा शुरू हो जाता है, जहाँ पर कई बार हमारे मामा जी माननीय मैनेजर सिंह जी अपना प्रतिनिधित्व करते रहे, विधानसभा में जाते रहे, बलिया के जननायक नेता कहे जाते थे। और हमको इस बलिया में हमारी माँ भी इसी द्वाबा क्षेत्र की थी, और हमारी पत्नी जो आपके मंत्रिमंडल में आपकी सहयोगी थी स्वाति सिंह, वो भी इसी धरती की थी। और इस जीवन में अब बताइए, माँ और पत्नी दोनों इसी धरती के हैं, तो आनंद स्वरूप शुक्ला को आप लोग 25,000 और एक्स्ट्रा ऑटो से जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? बोलिए, जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? जिताएंगे ना, पक्का ना? आगे कुछ तो नहीं करना पड़ेगा? यदि आप आपको मैनेजर सिंह का भांजा मानते हैं और उसके पूर्व वाले हमको अपना दामाद मानते हैं, तो 25,000 एक्स्ट्रा से जिताना, कितने और से आनंद शुक्ला जीत रहे होंगे उसे 25,000 और ज्यादा उधर जिताएंगे ना? हम लोग आदरणीय जी, हम सबके नेता
राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य आदरणीय नीरज शेखर जी, हम लोग की पार्टी में भैया विधानसभा का काम देख रहे हैं, आदरणीय हरेंद्र कुमार प्रजापति जी, आदरणीय संजय कुमार मिश्रा जी और डॉक्टर हॉस्पिटल पर सही जाएगा अच्छी, और हम सबके बैरिया के प्रत्याशी और अभी नगर से विधायक और मंत्री अभी तक आदरणीय आनंद सर शुक्ला जी, पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय भगवान पाठक जी, पूर्व सांसद आदरणीय भरत सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी, आदरणीय मुक्तेश्वर सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शशिधर पांडे जी, आदरणीय नागेंद्र पांडे जी, आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, मुन्नी पांडे जी, आदरणीय जया सिंह जी, ग्राम प्रधान दशोता जिनके श्रीराम सवाल जी, सुमित रायगढ़ जी और अभी हाँ सब करो, हम सब के बीच में जो हमारे विरोधी प्रत्याशी है उनके एकमात्र बड़े भाई आदरणीय बसी राय जी जय